आज इस वीडियो में CES के बारे में बात करेंगे। जिनको नहीं पता उनको ये बता दूं, CES एक ऐसा इवेंट होता है जहां पे ऑलमोस्ट सारी बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, शोकेस करते हैं, जो हम जैसे कंज्यूमर्स इवेंचुअली आगे जाके बाय करते हैं। काफी सही सही नई नई चीजें देखने को मिली है। सबसे पहले सैमसंग ने अपने फोल्डेबल डिस्प्ले के नए नए आइडियाज शोकेस किए हैं। अब आपको पता ही है कि सैमसंग जो है डिस्प्लेस का किंग है। एप्पल जैसे बड़े बड़े जायंट्स भी सैमसंग से अपने डिस्प्लेज आउटसोर्स करते हैं, तो सैमसंग ने अपने OLED डिस्प्ले के फोल्डेबल स्टाइल को USP बना लिया है और उससे खेल रहा है साथ में मार्केट में। इवन आपने रिसेंटली ओप्पो का फाइंड N भी देखा होगा, उसकी भी डिस्प्ले सैमसंग से ही आउटसोर्स की गई है। तो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में सैमसंग ने काफी सारी नई नई चीजें बनाई फोल्डेबल डिस्प्लेस के साथ, जैसे कि स्पीकर बनाया, लैपटॉप बनाया, वॉच और फोन भी बनाया। यहां पे जो नए प्रोडक्ट्स की बात करें तो फ्लेक्स नाम से उन्होंने पूरी सीरीज बनाई है, फ्लेक्स S, फ्लेक्स G, फ्लेक्स X और इस तरीके से और भी बहुत सारी। वैसे अगर जब डिस्प्ले फोल्डेबल होती है तो काफी इजी हो जाता है, क्योंकि कस्टमाइज तरीके से हम उसको उसने साइज में बना सकते हैं। फ्लेक्स नोट के नाम से एक बड़ी स्क्रीन बनाई 17 इंच की, जो कि फोल्डेबल डिस्प्ले है, और इसको अगर हम फोल्ड कर देते हैं तो 13 इंच का एक लैपटॉप बन जाता है, जिसकी स्क्रीन भी वही है और कीबोर्ड भी वही है, सब कुछ वही है और पूरा एग्जैक्ट लैपटॉप की तरह काम करता है। अब देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, यूज करने में काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखो तो कितना बढ़िया लग रहा है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है ASUS का ZenBook Fold 17 लैपटॉप शोकेस किया इन्होंने। यहाँ पे भी फोल्डेबल डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले जहां तक है सैमसंग से ही आई होगी। ये भी सेम उसी तरीके से है जैसा सैमसंग ने बनाया था। अगर आप बड़ा पैनल देखो तो 17 इंच का होता है, लेकिन आप जब फोल्ड कर दो तो सिर्फ एक A4 साइज की शीट जितना साइज रह जाता है। इससे ये पता चलता है कि ASUS शायद मार्केट में पहला प्लेयर होने वाला है जो इस तरीके का कमर्शियल लॉन्च कर दे, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से ढंग से ब्रांडिंग करके टीजर यहाँ पे दिखा दिया, आपको स्क्रीन पे देख ही रहा होगा। नेक्स्ट है BMW की कलर चेंजिंग कार। अब ये तो बिल्कुल ही अलग ही चीज कर दी BMW ने, चलती हुई कार के कलर बदल रहे हैं, तो ये सीन है क्या? तो Kindle जो डिवाइसेस बनाती है Amazon वाली, उन डिवाइसेस की जो डिस्प्लेस बनाती है कंपनी, उसके साथ BMW ने कोलैबोरेशन किया है और यहाँ पे एक प्रोडक्ट शोकेस किया। पहले समझते हैं ये चीज काम कैसे कर रही है। तो जो Kindle की डिस्प्लेस होती है उसके अंदर क्या होता है कि व्हाइट और ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं। जो ब्लैक होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो व्हाइट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो बस उनके आसपास के नेगेटिव पॉजिटिव चेंज करके अक्रॉस द स्क्रीन या डाउन द स्क्रीन इस तरीके से यहां पे टेक्स्ट फॉर्म हो जाता है, जिससे हमको ब्लैक के ऊपर व्हाइट या व्हाइट के ऊपर ब्लैक दिखता है। तो उसी कंपनी ने BMW के लिए एक रैप बनाया है, डीकल टाइप का आप कह लो कि ये बनाया है, जो कि जिसका नाम दिया है IX Flow। और इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आप इस गाड़ी का व्हाइट, ब्लैक या उसके बीच का कोई भी कलर ग्रेडियंट यहाँ पे रख सकते हो। इलेक्ट्रिक कार्स के लिए तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है अगर ये आगे चल के बहुत जल्दी इजिली कमर्शियलाइज हो जाए ये चीज। तो गर्मियों में व्हाइट कलर रखो, हीट कम आएगी, AC शायद कम चले, बिल थोड़ा कम आए, चार्जिंग ज्यादा चले, और ऐसी सर्दियों में ब्लैक रख लो या बीच बीच में वैसे ही चलते फिरते शो ऑफ करते रहो, दिक्कत कहां आ रही है। नेक्स्ट है वही अपना पुराना प्रेमी कंपनी OnePlus 10। यहां पे इन्होंने अपना OnePlus 10 Pro शोकेस कर दिया, सारे स्पेक्स वगैरह आउट कर दिए, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स यहां पे कुछ भी नहीं लगा मुझे। सिर्फ एक डुअल OIS यहां पे डाल दिया है, साथ में जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट का स्नैपड्रैगन जनरेशन 8 का 1 वाला डाल दिया है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। OnePlus का एंड पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से तो खत्म होने वाली है OnePlus। आपको क्या लगता है बताना। इसके बाद लेनोवो ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग लैपटॉप यहाँ पे शोकेस किया, जिसका नाम है थिंकबुक जेन प्लस 3। इस वाले लैपटॉप में क्या किया है कि नमपैड की जगह पे एक पूरा का पूरा 8 इंच का टैबलेट फिट कर दिया है। अब ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहली बार इस तरीके की चीज़ निकली। अभी तक ASUS वगैरह में आ रही थी तो छोटी छोटी डिस्प्लेज आ रही थी, यहाँ पे पूरा का पूरा एक 8 इंच का टैबलेट। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इन्होंने इसको इंटीग्रेट कैसे किया है कि अगर लैपटॉप की बड़ी वाली स्क्रीन से हम छोटी स्क्रीन की तरफ डाउनवर्ड्स में कुछ ड्रैग करें तो ये वाली स्क्रीन एक एक्सटेंडेड डिस्प्ले का काम करती है। जैसे हम एप्पल वगैरह में देखते हैं तो ड्रैगिंग इजी से हो जाती है, या विंडोज में डबल डेस्कटॉप पे हो जाती है, इसी तरीके से यहाँ पे इनबिल्ट स्क्रीन दे दी है। तो अब काफी सारी एप्लीकेशन जिसके ऊपर चल सकती हैं, डबल डिस्प्ले का काम हो सकता है, और भी काफी सारे फीचर्स। अब क्योंकि ये जैसे 8 इंच का टैबलेट है तो ऑन द गो आपको कोई नोट्स लिखने हो या कुछ इस तरीके काम करना हो जो आप फोन पे कर लेते हो अभी तक, वो उस पे कर सकते हो, या फिर आगे चल के फोन से स्क्रीन मिररिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी निकल के आती हैं, लेकिन देखने में बताओ कैसा लग रहा है।
रहा है। इसके लिए ना काफ़ी सारे मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। कोई ऐसा कह रहा है कि लैपटॉप के ऊपर पैड चिपका दिया है, कोई कह रहा है पैड के ऊपर लैपटॉप चिपका दिया है, कोई कह रहा है कि अगर पाम रखेंगे तो वो सेंसेशन रेजिस्ट नहीं कर पाएगा या फिर इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, पाम रिजेक्शन टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर ये 60-70-80 हज़ार रुपये वाली रेंज के लैपटॉप्स में इस तरीके से डबल डिस्प्ले दे देते हैं तो क्या आप इस तरीके की एक्स्ट्रा डिस्प्ले वाला लैपटॉप लेना पसंद करोगे या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि कैलकुलेटर के लिए बढ़िया रहेगा, फट 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 फटाफट से चलेगा। ये कुछ थे CES 2022 के कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्च अपडेट्स। बहुत जल्दी इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, एक्सेप्ट द BMW कार वाला सिस्टम। पता नहीं, देखो क्या होता है। आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए मैंने एक स्पेशल शॉर्ट्स का चैनल भी बना लिया, तो मेक श्योर आप वहाँ सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके के डेली अपडेट्स मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कल दोबारा से। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या।